एचआई न्यूज, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मात्र शक्ति जिला संयोजिका आरती जायसवाल, जिला मंत्री संजय सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर्व सभी थानों में जाकर मनाया गया। उन्होंने आगे बताया कि आज आजाद नगर थाना में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बहनों द्वारा रक्षाबंधन पर सभी आजाद नगर TI मनीष डाबर जी को सभी स्टाफ के भाइयों को राखी बांधी गयी। इस अवसर पर तेरी मनीष डाबर ने कहा कि ऐसे हम रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं, परंतु आज इतना अच्छा लग रहा है कि मेरी को भी सभी बहनें मेरे को राखी बांधी, तो मैं सभी बहनों को बधाई देता हूं। जब उनसे पूछा गया कोरोना वायरस में आज नगर थाने क्षेत्र में बहुत कम लोग मिले हैं, तो उन्होंने कहा जागरूकता के कारण कम लोग मिले हैं। फिर हमने मातृशक्ति संयोजिका आरती जायसवाल से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम सभी बहनें आज नगर थाने पर सभी भाइयों को राखी बांधी, गिफ्ट देकर उनका सम्मान किया। उसके बाद संजय सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारी वर्ल्ड रक्षाबंधन सभी थानों में जाकर मनाते हैं। इस अवसर पर राजकुमारी नीलेश गोयल, मनोहर शर्मा, प्रभा दीदी नारायणी, बरैठा ज्योति दीदी, बाबूलाल जी अग्रवाल एवं अनेक लोग यहाँ इस अवसर पर मौजूद थे। बताइए दीदी, आज रक्षाबंधन पर आप सभी थानों पर रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जगन्नाथ जिला से हमारे जो सभी सिपाही भाई हैं, जिनकी वजह से समय समय पर हम हमेशा सुरक्षित रहे हैं, भारत सुरक्षित रहता है, इसके लिए मातृशक्ति तहे दिल से उनका धन्यवाद देती है। और चूंकि भारतीय परंपरा में राखी का एक ऐसा त्यौहार है कि जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उससे एक वचन देती है कि ता उम्र आप हमारी रक्षा करेंगे, उसी के निमित्त आज हम यहाँ आजाद नगर थाने पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर बहनों को थाने का नाम सुनते ही डर लगता है, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं और एक इतना घर जैसा माहौल लगता है, तो उसके लिए सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आपका नाम? आरती अजय जायसवाल, विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति संयोजिका जगन्नाथ जिला। आज बताइए, विश्व हिंदू परिषद द्वारा यहाँ पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, हर साल आप इसी तरह थानों पर आकर रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जगन्नाथ जिला द्वारा सभी बहनों ने थाने पर आकर सभी सिपाहियों को थाना प्रभारी जी को राखी बांधी। ये परंपरा हम हर वर्ष आकर के और सभी सिपाहियों को, सुरक्षाकर्मियों को, सफाई कर्मियों को, जितने भाई लोगों सबको बहनें राखी बांधती हैं और ये प्रण लेती हैं कि आप हमारी रक्षा करें, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार का ये लेकर के हमारी बहनें चलती हैं और यह कार्यक्रम हर वर्ष की तरह सभी थाना क्षेत्रों में मनाया जाता है। जिस तरह से कोरोना काल में पुलिस प्रशासन ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, उसके लिए क्या कहेंगे? कोरोना काल में पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, जितनी संस्थाएँ थी, उनका जो कार्य था वो सराहनीय कार्य रहा और इसको लेकर के हमको बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे कि जो इस कोरोना काल में जिस तरह से आज़ाद नगर थाने में कोरोना पेशेंट बहुत कम मिले हैं। आज़ाद नगर थाने में कोरोना के जो पेशेंट कम मिले, उसका जागृत सबसे बड़ा उदाहरण है, जागृत जो किया गया लोगों में, अपना जो उसकी प्रति कोरोना के प्रति जागरूकता आई गई, इस कारण वहाँ कोरोना पेशेंट कम। आपका नाम? संजय ठाकुर, जिला मंत्री विश्व परिषद। बताइए सर, आज रक्षाबंधन पर मात शक्ति आपको राखी बांधने आई है। आज मुझे बिल्कुल घर जैसी फीलिंग हो रही है, क्योंकि राखी के समय पे भी मेरी सारी सिस्टर मुझे राखी बांधने नहीं आ पाई थी, क्योंकि कोविड अभी भी काफ़ी संख्या में भी संक्रमण फैला रहा है और इस कारण से मेरी सिस्टर्स अभी राखी पर मेरे पास नहीं आ पाई, मैं उनसे राखी नहीं बनवा सका। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी सारी दीदियाँ आकर के मुझे राखी बांध रही। जिस तरह से कोरोना काल में आपने बहुत अच्छी आज़ाद नगर को बचा के रखा, उसके लिए क्या कहेंगे? आज़ाद नगर को बचा के रखने के पीछे मुझे जन सहयोग सबसे अच्छा मिला है, आम जन का मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला। सभी ने जो भी केंद्रीय सरकार की जो गाइडलाइन थी, जो भी प्रिकॉशन फॉलो करने थे, उन लोगों ने किए और इस कारण से आज हमारा आज़ाद नगर क्षेत्र इस कोरोना से काफ़ी हद तक मुक्त है। अपन मनीष डावर, थाना प्रभारी आज़ाद नगर। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलिए।